जी अभिलाष, आप बोल रही थी कि मैंने जब फ़ोन किया तो आप पहले यकीन नहीं कर पा रही थी। यस सर, मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेल भेजा और आपका कॉल आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ सर कि मुझे सच में इनविटेशन कॉल आ सकता है एबीपी का। जी, तो आपको यकीन कब हुआ? सर, आपकी आवाज़ सुन के मुझे यकीन हो गया। जब दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे ये तो संदीप सर की आवाज़ है, तब मुझे विश्वास हो गया। जी, यस सर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब बुलाते हैं ना तो घर बाकी घर वाले विरोध करते हैं कि अरे ये तो उल्लू बनाते हैं। सर, आपने भी ऐसा किया था कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो शोर किया, मैंने कहा देख लो कहीं कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, तो नंबर चेक करना पहले। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन हम लोग फ्रॉड तो नहीं है। हम अगर बात करते हैं तो ज़रूर पहुँचते हैं। तो आ गए हम यहाँ पर। अब जिस सीन को हमने कहा था ना कि ये तो केवल ट्रेलर है, ये पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो भाई वो पिक्चर दिखाने का वक्त आ गया है। ये देखिए, ये पूरे घर वालों के सामने ऋषि ले आया है बलविंदर को, और अब वो सबके सामने ये उगलवाएगा कि भाई बता तुझे लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में किसने बताया था। तो मुझे सीधा ये बता कि तुझे किसने बताया कि लक्ष्मी प्रेगनेंट है। अब ऋषि, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूछोगे और बलविंदर इतनी आसानी से बता देगा? अगर उसने इतनी आसानी से बता दिया तो मलिष्का का खेल खत्म हो जाएगा। तो आप ना अभी तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये बलविंदर अभी कुछ नहीं बताएगा। मम 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 करते करते सो गया। तो हाँ, बात वो मुंह तो आई, वो क्या था, हाथ तो आई, मुंह ना लगी अभी तक। तो मुंह लग जाए उसका वेट कर रहा, इसका उठने का वेट कर रहा। हालांकि बलविंदर ने बातों बातों में ऋषि को इस बात का एहसास दिला दिया है कि तुम लक्ष्मी को समझ ही नहीं पाए। उसका नाम ही केवल लक्ष्मी नहीं है, वो खुद एक लक्ष्मी है, तो उसकी कद्र करना सीखो। ऋषि भी देखो समझ गया। ऋषि की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत कंफ्यूज रहता है लाइफ में। तो अगर मैं एज ऑडियंस भाग्यलक्ष्मी देखता हूँ तो ही नोज दैट ही लव लक्ष्मी, बट इट्स जस्ट दैट ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि मलिष्का उसकी लाइफ में। तो उसका अगर कैरेक्टर कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी सारी, तो फिर आई थिंक मजा नहीं बनता जाएगा फिर तक ऋषि कैरेक्टर में। अब यहाँ पर मलिष्का भी परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि अगर बलविंदर ने कुछ भी बोला तो उसकी इस घर से क्या ऋषि की जिंदगी से भी एग्जिट हो जाएगी। अब जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है, इस शो की वैम्प ना मलिष्का ही रहेगी, और आगे वो ऐसे बहुत सारे खेल खेलती रहेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।